तुम्हारी जैसी शादीशुदा औरतों की अव्वलीन पसंद। मैं तो कहती हूँ धड़ल्ले से मिलो। सच कहूंगी बड़े लड़के चलाए मैंने, पर आज तक कभी किसी से लव वव नहीं हुआ, लेकिन इसमें तो मेरी जान है। अपना तो दोस्ती का यही असूल है चिंटू की मम्मी, जो खुद खाओ वही दोस्तों को भी खिलाओ। सजने आए न बालम का करु सजने आए न बालम तरपति बीती मोरी रे राम तरपति बीती मोरी उन बिन रतिया सजने आए न बालम। रोवत रोवत कलना अच्छा लगता है अब तुम्हारे घर से दूर रहना, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी अचानक रंग बदलती है, बदल लिया मैंने भी। ये कहानी अब चिंटू की मम्मी की नहीं, किरण की है। हमारा बात सुनो मैडम, मैं कह दूँ हमारा बात सुनो मैडम कशमाला, तुम औरत है, अगर मर्द होता ना हम तुमको ऐसा डंडा देता कि तुम याद रखता। हमको वारा नहीं खाता है, लड़कों को चलाने का भी कोई उसूल होता है, हम नहीं करेगा तुम्हारे साथ काम। सुना तुमने, शैतान का वालदा। वो सारी शादीशुदा औरतें
जो अपने नकारा शौहरों से हाजिज हैं, सेक्स के लिए बेताब हैं, उन सारी औरतों के लिए हमारी फ्री बॉडी मसाज और हैप्पी एंडिंग हासिल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और हाँ, मर्द हजरात और विर्जन लड़कियाँ रब्ता ना करें, दूर रहें। फुल सेक्स विद हैप्पी एंडिंग। जोर से हाथ चला। अभी ये पठान पीस तोड़ के लाया हूँ कश्माला के अड्डे से, वो इसके पैसे खा जाती थी। मैंने इसे बताया कि हमारी अभी अच्छे पीस को ऊपर से पैसे देती है, और वैसे भी तो हुस्न हमारी अभी की कमजोरी है। सो तो है, इतना एंग्री एंग्री क्यों बैठा है? तुम काम की बात करो मैडम, हमारा मूड छोड़ो, हम जैसे बैठे तुमको क्या है? तेरा ये गुस्सा तन्वी को पसंद आया। बता रहा था, डिफेंस में एक औरत इसे कहती है सेक्स के टाइम मुझे मारो, और खान साहब ने इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गई। बाद में कहती मारने का बोला था, जान से मारने के नहीं। लाहौर का औरत क्लियर नहीं है। हाय हाय, हर मर्द औरत की वैसे अपनी अपनी नफ्सियात है, अपनी अपनी साइंस है। वैसे तो अब सारी दुनिया ही नफ्सियाती हो गई है। खान साहब जरा हाथ धोला रखना अभी तक। खान साहब तू बॉडी शॉट दिखाओ आपी को। हाँ भाई खड़ा हो, इधर आ जाओ सामने। उधर मोड़, उस तरफ मोड़, टाइमिंग कैसी है खान साहब? पूछ लेना कश्माला के अड्डे से, बड़ा डिमांड था हमारा वहाँ। देती क्या थी कश्माला? 50% उसका, 50% हमारा, 70 तेरा, 30 मेरा। मंजूर है, हसीनों को लेके तुम्हारे कायदे कानून अपने ही हैं आप ही। सो तो है, रात को पार्टी है, ले आई सभी उधर। ठीक है आप ही। Wow, so hard. Six packs है क्या? और नहीं तो। वैसे तुम्हारा शिकल मिलता हुआ है। अच्छा, किस एक्ट्रेस से? वैसे लोग मुझे पिटी जिंदा भी कहते हैं। हमारे नाम से। Yeah.
बासुन ये एक तो बोतलें पार कर लेते हैं, घर जाके पार्टी करेंगे, रख ले रख ले, छुपा ले छुपा ले। वाह तन्नो, आज ते बिपाशा ही बनी है, नवा जोड़ा पाया है। हाँ बाजी, इंपोर्टेड है, ब्रांड का है। सानू ना खवाएं कदी वो चज दा पीस, ओ किरण नू ना सारे मजे करानी है, मून भी वो खा गई है। बाजी ये ग्लास तो बना जरा, नेट बनाई, नेट नेट वो जिसमें पानी और वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिक्स नहीं करते ना, वो। ओ नीट। बासुन वो जो पठान लड़का अंदर, बाजी उसको छोड़, उसकी बड़ी डिमांड है ठीक है ना, तो वैसे भी हमेशा पैसों के मामले में डंडी मारती है, तेरे लिए ना वो ही ठीक है, वो ड्राइवर मालशी है टाइप। चिंटू की मम्मी का मुकाबला ना कर, वो बड़ी दिल वाली है, 1000 मांगो ना 10 निकाल के देती है। बाजी माफ करना, लेकिन तमाश भी नौरत बनने के लिए ना बड़ा जिगरा चाहिए जो तेरे अंदर नहीं। कुत्ती गश्ती? मैं गश्ती नहीं, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ, लड़के सप्लाई करती हूँ, जैसे मुर्गियों या अंडों के एजेंट नहीं होते, वो सप्लाई करते हैं उस तरह। तुम्हारे जैसी शरीफ घरों की पुरानी टैक्सियों के खराब मीटर चला रही हूँ बस। नबालम का करू सजने, आए नबालम। ये सुखान जय अली एंड्रिकी चंद्रा। अल्लाह पाक किसी को कभी थाने की शक्ल ना दिखाए, और इसके लिए साइड में कोई बॉयफ्रेंड पुलिस वाला रखना बहुत जरूरी है। यार मोटी आंटी फोन नहीं उठा। नहीं यार, लेकिन तुझे एक बात बताऊं, देख मोटी है बहुत सेक्सी, खिलाती पिलाती भी बहुत है और पैसे भी बहुत देती है, समझ रहा है? लेकिन यार तू ना पीछे मत पड़, तू इनके ज्यादा पीछे पड़ेगा ना, तेरी 61-62 पे किक कराएंगी, तुझे साइड पे कर देंगी। मोटी है ना, सेक्स वेक्स तो उससे होता नहीं है, तो सिर्फ रोमांस करना होता है, रोमांस इसका एक तरीका है जो मैं तुझे बड़ी फुर्सत से, समझ रहा है? ये ना
उन ग्राइंडर के बॉटम अंकल से तो साली बहुत अच्छी है, जो कुत्ते के बच्चे बातें तो बहुत चोदते हैं, वो दे दे गया है 1000 पान। लेकिन मैं तो बहुत ही शरीफ और गरीब हूँ, इन सब बदमाश औरतों ने मुझे फंसाया है, मुझे कहती थी अगर तुमने हमें नौजवान लड़कों से ना मिलवाया हम तुम्हारा कत्ल कर, प्लीज अल्लाह के वास्ते मुझे बचा ले, मेरी वजीर आजम साहब से भी इल्तमास, उन्होंने तो औरतों के लिए बड़ा काम किया है हर किस्म का, प्लीज मुझे बचा ले, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा अल्लाह ही मेरा वकील है खुदा के लिए। मैं तो जी गरीब बेसहारा औरत, शौहर मेरा पाए जाए कोई काम नहीं कर सकता, एक बच्ची है मेरी, किसी ने कोई सदका खैरात कोई मेरी इमदाद नहीं की कभी। चिंटू क्या कर रहे हो? मामा मामा ये देखें, ये तन्वी कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन निकली बीसी, ये देखें अब चीज सप्लायर, ये जो बूढ़ी आंटी होती थी ना ये उनको ना लड़के प्रोवाइड करती थी, ये देखें अब, देखें अच्छी तरह देखें अब उसे, बी केयरफुल मामा। झूठ नहीं बोलूंगी, बड़े लड़के चलाए हैं मैंने पर किसी से आज तक लव वव नहीं हुआ, इसमें तो मेरी जान है। लेकिन तुम्हारी तो और बात है ना चिंटू की मम्मी, अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो, और अपना दोस्ती का एक ही उसूल है कि जो भी खाओ दोस्तों के साथ मिल बन कर खाओ। सोने की चूड़ियां, वाओ। शादी ने दिलाई है, मेरे साथ सोने की लाइफ तो रह नहीं, इसलिए सोने ही दिला देते हैं, क्योंकि तेरा वजन काफी कम हो गया है ना, 5 kg कम किया है, डबल चिन तो बिल्कुल गायब हो गई, बस थोड़ा सा पेट रह गया है। बाय द वे, वो वशमा की पार्टी पे तेरी मेट पकड़ी गई। तू गई थी? हाँ बिल्कुल, बट वो लकीली हारून की कॉल आ गई थी, खावर के घर पे वो नसीबों का गाना रखा हुआ था ना, तो वो मलाइका और एंजला और जवाद और औरंगजेब वो सब थे वहाँ पे, तू नहीं गई? नहीं कुकी, मैं ऐसी पार्टियों में नहीं जाती, दिल बुझसा गया है मेरा, और जब से तन्वी वाला वाकया हुआ है मेरी रूह कांप जाती है, डरती हूँ कहीं वो पुलिस के आगे कुछ बक ना दे। आए हाय, मेरी जान तन्वी की जमानत हो गई है, वो DSP की बीवी नहीं, वो शायदा शैंपेन करके उसने कराई है। उफ मेरे अल्लाह, पैसा आ गया, तमीज नहीं आई, जाहिल औरत, अभी तक वो टी शर्ट और क्यूलॉट पहन के घूमने वाली, आई हेट हर, बर्दाश्त नहीं होती मुझसे वो, दफा कर कुकी। बाय द वे, तन्वी के पास लड़के बहुत कमाल हैं, और वो मून है ना मून, वो तो यार पूरा चिकन पीस है। रहन दे कुकी, कोई चिकन पीस नहीं है, चोर एक नंबर का, मेरी ये मोटी सोने की चेन चुरा के गया और सोने की अंगूठी भी, और एक बात बोलूं कुकी तुझे, वो सिर्फ दिखने का चिकन पीस है, अंदर से उसकी हालत बिल्कुल शादी जैसी है। हाय, मेरा तो दिल आया हुआ उस पे। अच्छा सुन, वो टीना बता रही थी तुझे ड्राइवर चाहिए था? हाँ कुकी, अब मुझसे ड्राइविंग नहीं होती, मेरी कमर में बहुत दर्द रहने लगा है, और शादी को तो तुम जानती हो, मेरे लिए तो उनके पास वक्त है ही नहीं, कारपोर्ट में दो दो नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, चलाने वाला एक नहीं है। वैसे मेरे ड्राइवर का एक भाई है, बहुत अच्छा है, अगर कहे तो भिजवा दूँ तेरी तरफ। हाय प्लीज भेज दे कुकी, मोहब्बत और प्यार से रखना उसे, वैसे है बड़ा बदमाश। उस दिन मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी ना फिटिंग वाले कपड़े पहन के,
मेरे सीने की तरफ ऐसे गौर से देख रहा था। बदमाश कहीं का। खैर कोई बात नहीं। बुकी वो जो डाइट का खाना बनाती है उसका नंबर तो दे मुझे। ओह आई जस्ट फॉरगॉट, अभी देती हूँ मोबाइल से। कहाँ गया मेरा मोबाइल? मेरी बात सुन, शिबाना के हीरे की अंगूठी और पैसे तूने चुराए? झूठ बोलती है वो बुढ़ी बिच। इतना जोर से मुझे नाखूनों से नोचे उसने, देखा भी मेरी पीठ। ये औरतों को पता नहीं नोचने काटने का क्या शौक हो गया है। खैर उसका जुर्म तू छोड़, मुझे सच सच बता तूने चोरी की है कि नहीं। मेरी माँ की कसम आपी, अगर 10 का भी नोट चुराया हो तो अपने बाप का नहीं। मेरी बात सुन, धंधे का सबसे पहला असूल है ईमानदारी। ये चोरी चकारी वाले लड़के मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है, ना ही मैंने किसी को रखना है। मिनट से पहले निकाल दूंगी तुझे। आपका नहीं। बात सुन, ये एडी नहीं नजर आया बड़े दिन से, किधर है? मुझे क्या पता, मैं उसकी माँ हूँ। और ये पठान लड़के हैं ना, इनको अपनी खूबसूरती का बड़ा गरूर होता है। मैडम कश्माला के पास कौन सा ज्यादा टीका है? ये तेरे पास भी आप ही रुकने वाला नहीं है ये। क्यों नहीं रुकेगा, 70% दे रही हूँ मैं, इतना कौन देता है। हाँ रुकेगा नहीं। आप ही तेरी कॉल आ रही है। आ गया ना फोन, मैं जरा बात करके आती। हाँ बोल। नहीं कुकी, मुकम्मल सेक्स नहीं, रोमांस तो ठीक है, मैं अपने आप को लिमिट पर रखना चाहती हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये मुझे हाथ नहीं लगाते। चल कुकी तुझे बाद में फोन करती हूँ डिटेल से। चल ठीक है, ओके बाय। अच्छा ना, बाय। मसला क्या है तुम्हारा? 4 दिन के बाद मैं आया हूँ, ना कोई सलाम ना कोई एक्नॉलेजमेंट, स्माइल देते हुए मौत आती है तुम्हें? क्यों आ गए आप इतनी जल्दी? आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे। बुरा लगा तुम्हें मेरा आना? हम मुझे किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुंह लगा तो अपने आप को फवाद खान समझते हैं आप जैसे मर्द, और जब इग्नोर करो तो पिछवाड़े में आग लगती है। मेरा दिल मेरी मर्जी, मेरा दिल होगा तो बात करूंगी, नहीं तो नहीं। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप भी नहीं। हटे मेरे रास्ते से। तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो ही आने वादा निभाएगा। तुम्हें याद हो के ना याद हो। बेटा बेटा जरा ये उठाना। कत्तर बत्तर साथ निकाले पैर चोट। थैंक्स बेटा। बेटा तुम मत को यार, अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे बेटा कह रहे हो। गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में। सही बात बताए शादी, बाहर क्या टैबलेट यूज करते हैं? खैर हमें क्या पता, हमेशा तो हमारे साथ ऐसे ही होता है। वैसे शादी सेक्स अब बहुत ओवर रेटेड हो गया हमारी सोसाइटी में। बच्चों के बाद तो शोहर मुंह लगाते नहीं, और
औरत अपने मुंह से मांगे तो मर्द को ये बहुत घिनौनी बात लगती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, हर दफा नहीं होता। हमारे साथ तो हर दफा होता है। मेरे पास तब आया कीजिए जब आप किसी ज़हनी दबाव का शिकार ना हो। मुझे भी पूरी फिल्म देखने का हक है, शादी में देख सकते। अरे आप तो थक गए, पसीना भी आ रहा है, साफ कर दो। अच्छा चलिए सो जाओ। मैं तो कहती हूँ अब सो ही जाए। प्यारे भैया पर्दा नहीं जब कोई खुदा से ये से पर्दा करना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आहें भरना क्या जब प्यार किया तो डरनेड़ आ आ आज आजा। हेलो मासून, बाइक पे आया है? मुझे जरा शॉपिंग पे ले जा है, थोड़ी देर के लिए बाजार ले चल। टोले बड़े फिट लग रहे हैं इस चुस्त कमीज में है, चल ना ले चल। खान साहब ये क्या हरामी मर्दों की तरह घूर रहे हो? हम तो नहीं लेके जाएगा तुमको इस सूलिए में, इतना मोटा मोटा नंगा बाजू, कुछ तो खुदा का खौफ करो ना। मैं खुदा का खौफ करूं और तू जो पैसों की खातिर आंटियों के आगे नंगा हो जाता है वो? बकवास बंद करो, ये हमारा काम है। अच्छा ना खान साहब, सॉरी। वैसे तुम्हारा आंख खूबसूरत है, मोटा मोटा। मोटी मोटी? अच्छा मोटी। Hello, hello, hello. How are you? Hello. Why so sad, babes? क्या हुआ? बस कुकी, थक गई हूँ जिंदगी से, दिल चाहता है सुसाइड कर लूँ, मार लूँ अपने आप को। कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, कोई अट्रैक्शन नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए जीती हूँ, थोड़ा सा खुश होती हूँ, फिर डेड। ओ प्लीज, डिप्रेशन नहीं, मैं ते अग्गे बड़ी डिप्रेस हाँ। ओ होया इंज कि ओ चीमे दी इस्लाम आबाद वाली कुत्ती गश्ती बीवी और दे नाते अपना पूरा बंगला कराता ते मैनू फकीरनी नू लाहौर दा एक नाल दा घर देता वे, कुत्ती गश्ती ना होवे ते उत्तों ओदे बांदर दे मूंह वाली मां जड़ी लो गले पाके सब्जियां लैन जांदी कहंदी मरासियां दा सारा टब्बर मैनू टिकर गया, अपने आप ने वेख्या कुत्ती ते अभी दफा होना। कुकी छोड़ ना, दफा कर। हाय चल टिकटॉक बनाती। नहीं नहीं कुकी, तुझे पता है ना शादी फिर बुरा मनाएंगे। शादी तुझे क्या देता है, चल इतने मजे मजे के फिल्टर है एंजॉय करेंगे। उठ मेरी सेक्सी सुजन। नहीं ना कुकी, चल चल चल। कुकी तुझे पता है मैंने कभी नहीं बनाई। नहीं नहीं नहीं, आप आ जा करा, मजा आएगा बस। हाय इतने यंग यंग लड़के होते बाप रे, ओ ला ला ओ ला ला। कुकी तू ही ना, चल 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 चल। बत्तर साथ निकाले पैर चोट।
सारी ताकत इन आंटियों पे लगा दिया कर। उस्ताद की खिदमत करने के लिए कोई जान नहीं, मौत आती है तुझे। तेज हाथ चला, मेरी बात सुन। मेरा तेरा दोस्त है मजंग वाला। कौन? वो बिल्लियां का वाला हारिस? हाँ, उसके अंदर तो कोई बहुत बड़ी मूरत जागी है भाई। एकदम ठीक है बॉडी वॉडी, पर अजीब, कोई दो नंबर औरतों वाली अदाएं हो गई हैं। सही कह रही हो आपी, कुछ महीनों से ना हाय अल्लाह उफल्ला कहने की बीमारी हो गई उसे। उस मूरत बारबी के साथ अफेयर चल रहा है ना उसका। ये मूर्तें बड़ी हरामजादियां होती हैं। पहले अच्छे भले अड़िया लड़कों को, मेरे सामने की बात है, अपना गिरिया करती हैं, माहौल का आदि बना लेती हैं। उसके बाद यही लड़के वर्सटाइल बनते हैं पहले, और फिर पूरी पूरी मूर्तें निकल आती हैं इनके अंदर से। वैसे अभी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुझे शादी करने की क्या जरूरत थी? शादी? शादी भी एक ठप्पा है बस, और क्या। कहीं कहीं काम आती है और कहीं कहीं गांड का बुखार बन। प्रॉब्लम तो पिछले महीने से है, पर अब कुछ ज्यादा ही हो गई है। स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो गया यार। हाँ, बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों ही कंप्लेन कर रहे हैं। पापा गर्लफ्रेंड भी रखी है, मामा को बता दूं? और वैसे बड़ी चीजें इकट्ठी हो रही हैं आपकी मेरे पास। और स्टेमिना किस चीज का खत्म हो रहा है? बुड्ढे हो रहे हैं क्या? वैसे बुड्ढे तो हो ही गए आप। और वैसे स्टैमिना किस चीज़ का ख़त्म हो रहा है? उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का या भागने का? किस चीज़ का स्टैमिना? अच्छा उससे मिलवा ही दें। अच्छा सुने, एज क्या है उसकी बता। बड़ा है बॉडी बिल्डर का बच्चा।
तुम क्यों खड़ा है? डिप्स लगाओ। दिल नहीं है मेरा। गोरी चमड़ी हो, जिस्म फिट हो, भले ही तेरी तरह बंदा जाहिल हो, हर दरवाजा खुलता चला जाता है। ये कहने की बातें हैं औरतों को, टॉल डार्क हैंडसम लोग पसंद हैं, आखिर में तेरे जैसे मक्खन मलाई लड़के पसंद आते हैं। कैसे तेरे आगे तमाशबीन बनी फिरती हैं ना। ओए हसद ना कर, मेहनत कर। मेहनत करनी होती तो बात अलग थी, यहाँ तो बात बूथे की है। वो साबुन वाले इश्तियारों में सही कहते हैं, आखिर में लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं। तुझे आप ही 70% दे रही हैं और हमसे 70% ले रही हैं। ठीक कहती हैं आप ही, हमारे लिए ढूंढने पड़ते हैं और तुम्हारे लिए मिल जाते हैं। सच बोलूंगा खान, तुम्हारे से अजीब सा कॉम्प्लेक्स होने लगा मुझे। तेरे पे आपी लट्टू हो गई है ना, बच के रहना, बड़ी कुत्ती औरत है, एक डकार में आदमी को निकल जाती है। मेरा एक दोस्त है, उसे कराची के टाइम से जानता है, कहता है कि एक बड़े खूबसूरत लड़के पे उसने तेजाब फेंकवा दिया था। माड़ा जाओ जाओ, किसी और को डराओ, हम पिशावर का पैदावार है, कराची या लाहौर का मम्मी डैडी बॉय नहीं है। पहले मैडम किशमाला की यहाँ से हमको लाया, अभी उसकी बुराई कर रहा है। लगता है हमारे आने से तुम एकदम फारिग हो गया है। मैंने भी रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन का कोर्स करवा लिया ना, तो फिर देखी, मेरे एक दोस्त ने करवाया है, जहाँ से सारे टीवी अदाकार करवाते हैं, पहचान में नहीं आता अब वो। मैं भी करवाऊंगा, अब तो मैं करवाऊंगा। सजने आए न बालम का करूं, सजने आए न बालम, तरपत बीती मोरी रे राम, तरपत बीती मोरी उन बिन रतिया। कोई उठाएगा तेरे इतने नखरे? स्टॉक में खत्म थे अंगूर, खुद जाके तेरे लिए अलफते से लेके आई हूँ। पता है कितने के आए हैं? आधा किलो अंगूर। इतने में तो मेरा 3-piece सूट आ जाना था लॉन का। मैडम कश्माला बहुत ख्याल करता था हमारा, पैसे में जरूर डंडी मारता था, लेकिन कभी हमको ड्राई फ्रूट खिला रहा है, कभी यखनी, एक दिन चिकन, दो दिन बीफ। बस कर दे लालची, बेगैरत नदीदा कहीं का। बेगैरत किसको बोला है? खिंजीर का बच्चा। अय अल्लाह, मेरे अब्बा जी मरहूम 5 वक्त के नमाजी हाजी थे, खंजीर बोल रहा है उनको। खान साहब वैसे मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है, कोई कत्ल वतल तो नहीं किया? कत्ल वतल तो नहीं किया है, बस करते करते रह गया। एक दफा एक औरत के मुंह पर तकिया रख दिया, एन उसी वक्त उसका शौहर आ गया, हमसे तो बच गया, शौहर ने तलाक दे दी। कंडीशन ही कुछ ऐसा था ना, एक दफा एक औरत ने हमारा हाथ देखा, वो कहता था क्या महत का इल्म जानता है, उसने बोला खान साहब तुम्हारे हाथ से एक औरत कत्ल होगा। कहीं वो औरत तुम तो नहीं है? दफा हो, तुम तो नहीं हो। भरी जवानी में मेरे साथ ये मौत वौत की बातें ना कर,
ऐसे मेरा दिल फुटबॉल की तरह उछलने लगता है। मनोज खान साहब, हेलो कुकी। ओ हाय किरण, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड टू सी यू। यू लॉस्ट मोर वेट? डिड आई? ये है मेरा ड्राइवर शब्बीर। प्यार से क्या कहती हो? शब्बी बहुत नॉटी है लेकिन काम में नंबर वन है। मजबूरी में निकाल रही हूं। और चीमा है ना, हराम ज्यादा कुत्ता, और मैं तो शक करदा प्यासी। खैर छोड़ो, मैं चलती हूं उसका ट्रायल लेना अच्छी तरह से। सी यू सून बेब्स। बाय बाय। बाजी ने बता तो दिया होगा मेरा महीने के 30,000 और एक्स्ट्रा काम के फी शॉट। फी शॉट? मतलब के सिंगल शॉट के 1,500, डबल शॉट के 5। ओ जी, दरअसल दूसरी शॉट जरा मुश्किल होती। लगता है इस दुनिया में मर्द बचे ही नहीं, सिर्फ तवाइफे ही रह गए। सौदा तो मैं जरूर करूंगी पर अपनी मर्जी से। मतलब? दफा हो जाए से। खड़े हो, से बाजी से पूछना चैंपियन हूँ। सच चमाट लगाऊंगी ना मुंह पे, दफा दे। बाजी होया कि अच्छा नहीं लगा। चलिए दफा हो जाए। बाजी ट्राई तो करो, दफा हो जाए यहाँ से। तरपति बीती मारी रे राम, तरपति बीती मारी बिन रतिया। मामा, पहले पापा और अब भाभी, आप लोगों ने अपनी हरकतें देखी हैं? चिंटू,
बालम का करूं सजने आए ना बालम का करूं सजने आए ना बालम हेलो आ जाओ। बहुत चौड़ी कमर है तुम्हारी भाई, थक जाऊंगा मैं। आउच, ऐसे दबाते हैं क्या? वो वाले मसाज के 50,000 लूंगा। मेरे मियाँ के पास हराम का पैसा नहीं है। शर्टलेस और बॉक्सर के 35,000। पप्पी शेम 50,000। तमाम सेंसर की पाबंदियों से आज़ाद। और तुम पर तो मेहनत भी बहुत लगेगी, इतने मोटे मोटे हिप्स हैं तुम्हारे और कमर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं क्या हाल होता होगा दूसरों का। कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक शरीफ औरत हूँ। शरीफ? और तुम? मुझे तो नहीं तो शरीफ नहीं लगती। और तुम भी तो एक निचले दर्जे की तवाइफ हो, ज़हनियत भी वही और नफ्सियात भी। मैडम कश्माला नाम है, मेरे अड्डे की रौनक था वो, मेरा शहजादा। पागल हो रहा, छोड़ मुझे। अरे मैं खुद आगे कसम को खुद मेरे पास आया, पहले नहीं गई थी, छोड़ दे। कुकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुझे क्या हुआ है? बस अल्लाह ने हिदायत दे दी। कुकी तू भी ना, अंदर आ, अंदर आ। उसने तुमको मारा, हमने जाके उसका जबड़ा तोड़ दिया। हमारा तो दिल था कि उसको जान से मार देता। क्यों इतना गुस्सा करते, इतना गुस्सा? नफरत हो गया हमको अपने गांव से, अपने बाप से, अपने शहर से। शहर में हमारा एक औरत से दोस्ती हो गया, उसका आदमी बाहर होता था। उसने हमको समझाया, बाड़ी अच्छी हो, शिकल सूरत अच्छा हो तो तुम जैसे नौजवान को नौकरी के बगैर भी पैसा मिल जाता है।
उसने हमको पैसा दिया, मोबाइल दिया, गाड़ी दी और फिर अपने एक और दोस्त से मिलवाया। मर्द दोस्त से? औरत दोस्त से। तो खान तुम्हारा मुजक्कर मोनस बहुत खराब है। ये मोनस क्या होता है? मोन यार की और का। तुम्हारा उर्दू ठीक करवाना पड़ेगा मुझे, करती हूँ कुछ। तुम्हारा ये आँख बहुत खूबसूरत है मोटा। तू क्यों कर रही है ऐसा? पैन मेरी है, बुरा ना मनावी मेरी गल का। ये जेड़ा तू फिटिंग वाला लिबास पाया है, ये मर्दा आस्ते दावत है, गुनाह है, ते हराम है। खुकी क्या बकवास की जा रही है? मैनू अल्लाह ने हिदायत दे देती है। उस रात का जिक्र है, मैं मिकी ते टीना की पार्टी ते चली सा, ते चीमे ने मैनू आवाज़ दी कि मौलाना बासी तकील आए ने, आके उन्होंने सलाम कर। मैं सलाम करन आस्ते गई, मौलाना बासी तकील जिन्हां दी वजह नाल बड़ी हिरवना ने थिएटर छड्डते ते बुरे काम भी छड्डते, ते अज दे बाद दर्स लै रही ने। अल्लाह ने मैनू भी हिदायत दे दी। उस रात वो बोलते रहे, मैं सुनती रही। वो बोलते रहे, मैं सुनती रही। वो बोलते रहे ते मैं और तुम? मैं सुनती रही सारी रात। मिकी ते टीना दी पार्टी तो फोन आंदे रहे, फोन ते फोन आंदे रहे, ते मैं एक फोन नहीं सुनिया। थोड़ी देर बाद चीमा साहब सोन आसे चले गए। उस रात मैं ते मौलाना बासित सारी रात रूहानियत की बारिश भिजदे रहे, भिजदे रहे। तो सवेरे उठ के कुकी कुकी ना रही। मैं पहली बारी फजर की नमाज अदा की, ते दो दी थां ते चार फर्ज अदा किते। अल्लाह मैनू हिदायत देवे, मैं गुनेगार हाँ, पापन ना पापन। पापन क्या हो गया कुकी? पापन बहुत स्टार प्लस लगता है। किरण बुरी आदतें भी तो आराम नाल जांदियां ने ना। ते मेरी गल सुन मेरी भैन, असी मुसलमान हाँ, तू भी अपना ए ना किरण ए बदल डाल। मैं भी चीमे नूं कहा है कि अज तो बाद मैनू कुकी नहीं शरीफा आखे। कुकी? तेरा नाम शरीफा है? आहो उदों साढ़े पिंड च ट्रेंड सी ते ना ए ना बड़ा इन सी। तू भी ना कुकी, मैं तो अपना नाम चेंज नहीं करूँगी, मुझे तो अपना नाम किरण बहुत पसंद। बस अल्लाह ताला साढ़े गुनाह माफ करे। ए मैं तेरे आस्ते ले आई सा। ये क्या है, मौत का मंजर? हाँ मेरी भैन, एदे बाद तेनू हिदायत मिल जाएगी, ते ए सारे डिजाइनर क्लोथ ते ब्रांडेड बैग असी इन्ना लंबा इंतजाम कर देने आ, ते सानू सानू अगले पल दा पता नहीं। नहीं नहीं या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा। कुकी तू क्या पागल हो गई, कैसी बातें कर रही है? तू मजाक कर रही है ना? सही बता। बस किरण बस बस, अल्लाह मैनू माफ़ करे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह।
कर सजने आए न बालम का कर सजने आए न बालम तरपति बीति मोरी रे राम तरपति बीति मोरी उन बिन रतिया। तुम्हारे क्या पेपर खत्म हुए? हमारी जिंदगी अजाब हो गई है, पूरा घर फैला दिया। ये क्या करते हो चिंटू? क्या है मामा? रखो इसको। मैं नहीं रख रहा, हर टाइम बोलते रहते ये ना करो वो ना करो। इस उम्र में ये करोगे ना तो कद छोटा रह जाएगा। नहीं होता। क्या बोल रही हूँ, रखो इसको। नहीं मैं रख रहा। छोड़ दो। नहीं मामा छोड़े। मैं एक चाटा दूंगी, मुंह पे रखो। मामा नहीं मैं नहीं रख रहा। भारी है हाथ में, झटका आ जाएगा। कुछ भी करने नहीं देते, भारी है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कराची जाना है नन्ना के पास, वैसे भी तुम्हारे बड़े दोस्त बन गए थे वहां पर। कराची की लड़कियां लाहौर की लड़कियों से ज्यादा सेंसिबल है, और वो आजिम अंकल की बेटियां आदिया और इरम। पापा भी जाएंगे साथ? नहीं, ये मैं बाय एयर जाऊंगा मामा, अकेला मजा आएगा। उर्रे मैं सोच रही हूँ सीमा आंटी को भेज दूं तुम्हारे साथ। मामा क्या है, अभी इतना अच्छा मूड था सारा खराब कर दिया। सीमा आंटी को तुम्हें भेज दूं, मैं नहीं जा रहा उस बुड्ढी के साथ। चिंटू बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, अंदर आके खाना खाओ। आ रहा हूँ। फॉरन बैठ जाना टेबल पे। अच्छा चिंटू हर वक्त गेम। मम्मा ने तुम्हारी बात मान ली है, तुम जा रहे हो अकेले कराची। थैंक यू। मगर एक बात कान खोल के सुनो, कोई शरारत नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, किसी को मारना नहीं, नन्ना को बिल्कुल तंग नहीं करना, और घर का खाना टाइम पे खाना। पक्का वादा? का। पक्का आ गई मेरी याद। मैंने तुमसे कहा था ना, अपना तो असूल है कि जो भी खाओ दोस्तों के साथ मिल बांट के खाओ। अभी तो मैंने बहुत कुछ खिलाना था तुम्हें, ठुसाना था तुम्हें, पर तुम्हें तो वफा थी ही नहीं। एक बार भी पता किया मेरा, वो तो भला हो शायदा शैंपियन का। दो दिन में जमानत कराई है उसने मेरी। मैं तो बेकसूर थी, मेरा क्या कसूर था, क्या किया था मैंने? सिर्फ आंटियों के लड़कों के साथ सेटिंग ही कराई थी ना, और क्या किया था?
मैं तो मोहब्बत का पैगाम फैला रही थी, इनकी गाफ में पता नहीं क्यों आग लग गई। तन्वी अब तो तू जानती है मैं तुझे घर में नहीं रख सकती, चिंटू को सब कुछ पता है और तू उसके पापा को तो जानती है। वो भोसड़ पप्पू, वो कहेगा मुझे मर रहा था, बावला हो रहा था मेरे साथ सोने के लिए, वो तो मैंने ही उसे मुंह नहीं लगाया, कहता था सिल्क समीता लगती हो तुम मुझे, जवानी में बड़ा क्रैश था मेरा उस पर, वो तो मुझे बाद में पता चला विद्या बालन की डर्टी पिक्चर उसकी जिंदगी पर बनी थी, मैं क्या ऐसे ही बेहूदा हूँ। पढ़ाया चल चिंटू की मम्मी, तुझे मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना तो ठीक है, तन्वी भी निकल गई अब तेरी जिंदगी से। अरे तू गंदे गंदे मसाज पार्लरों से लड़के बुलवाती है ना, सब पता है मुझे, तेरे घर के बाहर भी पुलिस खड़ी होगी, छापा पड़ेगा तेरे घर पे भी छापा। तन्वी तुझे कैसे पता चला? छोड़ो मुझे कैसे पता चला, अच्छा घर पे अकेली हो क्या? हाँ। भिजवाऊँ एक लड़का, किसी के साथ की जरूरत हो तो। बड़ा ही रफ एंड टफ लड़का है, तिक्का बोटी एक कर देने वाला, सेक्सी। हाँ? एक दिन तुम्हें पता चलेगा चिंटू की मम्मी, इस भरी दुनिया में एक ही तुम्हारी दोस्त है तन्वी, तुम पे जान छिड़कने वाली है, भिजवाऊँ? भिजवा दे। आज मुझे जिंदगी का सही मजा आया, तुमने मुझे मुकम्मल औरत बना दिया। मजा आया ना? बहुत। मजा तुम्हारी मर्जी का और पैसे मेरी मर्जी के। दूंगी ना बाबा, 15,000 पे तुमने बात की थी ना, तुम्हें पूरे 20,000 दूंगी। 20,000? हाँ। 20,000? हाँ। 1.5 लाख? क्या, कितने? 1.5 लाख। यानी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो? पागल तो हूँ, जो तू जैसी मोटी औरत पर अपनी ताकत जाय की। अरे अरे देख, ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। निकाल पैसे। चल आजा मेरे साथ। एडी लग जाएगी। मेरे साथ आ, पैसे निकाल। करो सजने आए नबाल, करो सजने आए नबाल, तरपत बीत मरी राम, तरपत बीत मरी हमको नहीं पीना सिगरेट, अपना सेहत खराब नहीं करना हमको। खान अपना उर्दू ठीक कर लो। अपना नहीं अपनी, तुम कौन सा ठीक उर्दू बोलते हैं? ये मिंट मिंट बाद नखरीली लड़कियों की तरह नाराज क्यों हो जाता है? सिगरेट मत पिया करो, अच्छा नहीं लगता है ना मर्द पर ना औरत पर।
हेलो मोटी गश्ती कुत्ती फोन क्यों उठारी थी मेरा तू हैं गश्ती मैं गश्ती गश्ती होगा तू तेरा पूरा खानदान तेरी माँ होगी मैडम जो तुझे तेरे बाप को चलाती होगी तू है गश्ती तू अपना जिसम बेच के पैसा खाती है चुप चुप बहनचोद तू तेरे शौहर को दूं भेजो वीडियोस यही नंबर है ना तेरे शौहर का 03410325 है भेजू नहारी थी मेरे साथ लेटी हुई थी भुगवारी थी मुझसे रंडी गश्ती भेजता हूँ तेरा जो दिल चाहता है कर ले साइबर क्राइम से कह के ऐसा अंदर करवाऊंगी तेरे नीचे वो डंडे देंगे तुझे लग पता जाएगा सादा सुनो लहसुन की चटनी के बाद ब्रश ने क्या किया मजाक कर रही नीले परों के परिंदों से गीले चांद के पार मिलों की गहरे सुरमई अंधेरों को अपनी आंख में भर लूंगी बस करो यार वॉमिट हो रही है तुम्हारी शायरी से क्यों बोर कर रही हो जब तुम साथ होते हो ना तो दिल चाहता है तुम्हें शायरी सुनाऊं तुम्हें वो गाने सुनाऊं जो जो मैं मोहब्बत में गाया करती थी उम्र देखी अपनी मेरी माँ से ना एक दो साल छोटी या बड़ी होगी तुम बॉक्सर खींचो तुम्हारा खींचो बॉक्सर मादर जाद नंगा करके निकालूंगी यहां से इस काम के 50,000 देते हो ना तुम पचास हजार औकात है तुम्हारी 50,000 की इस मुंह पे कोई तुम्हें 500 रुपए ना दे 50,000 नंगा करूं नंगा करके भेज दो यहां से साइको मत बनो खींचो मकसद साइको मत बनो खींचो मकसद नहीं दूंगी कपड़े जा नहीं देती कपड़े दर्शन कपड़े जा नहीं दूंगी कपड़े जा नंगा जा पागल नहीं बनो कपड़े तो उधर नंगा जा जा दर्शन कपड़े आ जा रहा हूं कपड़े दे आज तवाई भाकर है असल तवाई तो तू है घटिया नीच तवाई बदकारी के दलदल में धंसी हुई ये औरतें गुमराही के अंधेरों में गर्क होंगी जलती रहेंगी दहकती हुई आग में इन जानी औरतों के लिए कोई पनाहगाह नहीं भागती फिरेंगी इधर से उधर इनके गुनाह इनके आगे खड़े हो जाएंगे और फिर गर्दन से इन्हें दबोच लेंगे इनके गुनाहों को बख्शिश का रास्ता नहीं मिलेगा इनकी कमर पर दुर्रे बरसाओ इनकी जबाने पिलास से खींच लो इनके बदन को ऐसी भट्टी में झुलसाओ कि एक पल में 100 बार मरे ये जानी औरतें ये गुमराह औरतें ये बर्बाद औरतें जानी गुमराह बर्बाद जानी सजने आए न बालम
Yeah.